신이 반다 빨면 녹화 통화했으네. 반다 빨면 시간 신이 무슨 간거 신이 뭐가 그런 거 승만 가봐 신이 비니 쿡티 뭐 타이즈산이 꼭 간다 묻은 거 또 안 꺼이네 뭐가 그런 거 신이 무슨 간거 타이즈산이 꼭 나가나 바게 신이 좀 또 갈겠다 니 바게 Ang pula na norap ng kulong masang ya parang kulong tatya to na naman. Maniya Mukhi Mantri Ji, Dr. Manik Shah, Honorable former Chief Minister and Member of Parliament, Biplab Kumar Deb Ji, President of State BJP, Rajiv Bhattacharya Ji, yahan mein hamare ministers, विकास देवर्मा जी अपना सांतना चकमा थेरम आपको थेरम बोले विद्युत बोले थेरम अपना फॉर्मर मिनिस्टर रामपद जमातिया जी और यहाँ में और भी सीनियर लीडर्स हैं विधायक हैं एंड टू ऑल माय डियर तिपरासा पीपल आई लव यू जब आई लव यू बोलते हैं अरे मेरा बहन कब मैं बोलते ना घर का मुर्गी दाल बराबर ये मतलब लेकिन व्हेन आई से आई लव यू आपको ताली नहीं मारना चाहिए यू शुड से आई लव यू टू आई लव यू सुनाई नहीं दे रहा आई लव यू वेरी मच दिल से मैं आपको प्यार करता हूं आज मेरा बहन को यहां आना था मेरा तिपरा मोथा का मीटिंग भोलागिरी में था लेकिन जैसे मुझे खबर मिली कि यहाँ में प्रोग्राम है मुझे लगा कि मैं अपना बुकुम बारा को देखने के लिए मैं आ जाऊँ इतना दिन से पार्टी के लिए हम लोग नहीं आ सके लेकिन आज अपना तिपरासा का जो सोल्यूशन है उनका प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमको पार्टी के बारे नहीं अपने जाति के बारे हमारा कल्याण के बारे सोचना चाहिए यहाँ में मैं आप सबको जानता हूँ रामपद्दो को मैं इतना छोटा सा तब से जानता हूँ विद्युत को मैं जानता हूँ विकास को मैं जानता हूँ और जो आपका वेस्ट त्रिपुरा से उम्मीदवार है बिप्लब कुमार देव जी जो हमारे फॉर्मर सीएम है आई टेल यू वन थिंग ही रियली लव्स आवर त्रिपुरासा पीपल आई हैव सीन मैंने देखा जब हमारा ब्रू अकॉर्ड हुआ दो महीने के अंदर इन्होंने काम किया मैंने देखा जब हमारा हॉस्पिटल खुमुलुंग में बन रहा था हमने 22 करोड़ मांगा इन्होंने एक दिन में 30 करोड़ दिए तो इनके दिल में हमारे लिए प्यार है एंड वी आर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट दैट दिल्ली में ईस्ट त्रिपुरा से और वेस्ट त्रिपुरा से हम उनको भेज रहे हैं जो सच में सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। मैं जानता हूं कि ग्राउंड में कभी कभी प्रॉब्लम होता है लेकिन अगर ऊपर में लीडर का दिल सफा होता है अगर ऊपर में लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो नीचे के लोग कुछ नहीं कर पाए आज जो लोग हमें अटैक कर रहे हैं जो लोग बोल रहे कि तिपरा मोथा और बीजेपी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है हमने जो भी किया खुल्लम खुल्ला किया ये लोग मैं कांग्रेस में था 25 साल तक इन्होंने राज किया हमको लगा 2008 में हम लोग जीत रहे हैं नहीं जीता 2013 में हमने वोट किया नहीं जीता मुझे लगा कि क्यों नहीं जीत रहे अब मालूम पड़ता है कि ये जो रोमियो जूलियट का प्यार था ये छुपा छुपा था कांग्रेस ने 1993 में अपना ही सेंटर में गवर्नमेंट और स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया सीपीएम को दिया 2008 में प्राइम मिनिस्टर नहीं आया मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर नहीं आया प्रचार करने के लिए 2013 में सोनिया गांधी नहीं आया प्राइम मिनिस्टर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है आपको जीतना था
कहीं और, तो आपने त्रिपुरा को दाव में लगा दिया। आज अगर मानिक सरकार बोलता है कि वो देश का सबसे गरीब मुख्यमंत्री, तो उसने हम त्रिपुरा साहब को भी गरीब रखा। आज जितेंद्र बाबू असेंबली में है, वो क्योंकि मैंने उसको समझा कि वो त्रिपुरा सा है, उसको मैंने छोड़ दिया, लेकिन आज वही असेंबली में जाकर सबसे पहले हमें गाली देता है, क्योंकि इनका आइडिया है पार्टी, इनका आइडिया है हमको गरीब रखना। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट में आप देखो, सबसे गरीब हमारा मुकुंबरा है। क्यों? 100 रुपए देकर पूरा दिन झंडा लगाकर लाल सलाम बोलना पड़ता है। आई वॉन्ट माई त्रिपुरासा पीपल टू डेवलप। मैं चाहता हूं कि आपका उन्नति हो, आपको नौकरी मिले, आपका जमीन का अधिकार आपको मिले। आज अगर मैं आपके लिए फाइट करता हूं, तो यहां में दिल्ली में जो अमित शाह ने कहा, जब देश का होम मिनिस्टर आश्वासन देता है, तो मैं कौन होता हूं बोलने के लिए, नहीं आप गलत बोल रहे। 10 साल तक यूपीए का गवर्नमेंट था, मैं था कांग्रेस में, आई नो, मैं था। कितने बार विजय राम खोल, मैं, जगदीश देव वर्मा, हम लोग गए, कितने बार गए, कुछ नहीं किया। आज वही लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का चिंता है। 25 साल में आज भी आप साउथ त्रिपुरा जाइए, मुख्यमंत्री जी आप साउथ त्रिपुरा जाइए, राजीव जी आप जाके देखिए, विश्रामगंज में, साउथ त्रिपुरा में, ओमपी में, किला का तरफ, कितना हम लोगों का लोग है जो आज भी जेल के अंदर भर्ती है। किसने जेल में डाला? सीपीएम के शासन के अंदर हमारे लोग जेल में गए, आज तक जेल में, और आज वही पार्टी अलायंस कर रहे हैं। क्यों जेल में डाला? क्योंकि उन्होंने आईएनपीटी कांग्रेस को वोट किया। आज आप जाके देखो कितने लोगों को नौकरी नहीं मिला, क्योंकि हमने सीपीएम को वोट नहीं किया। कितने लोगों ने को बात दिया गया, क्योंकि आप सीपीएम का कार्ड होल्डर नहीं थे। लेकिन आज वही पार्टी बोल रहा है कि सीपीएम को वोट किया। अगर आपके अंदर हम लोगों के लिए प्यार नहीं है, तो नाटक मत करो। मैं भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मुझे काम नहीं करने दिया, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं थे कि मैं सीपीएम को हटाऊं त्रिपुरा से, इसके लिए मुझे निकाला गया। आई नो व्हाट इज हैपनिंग। आज महाराजा वीर विक्रम का एयरपोर्ट का नाम सम्मान किसने दिया? अरे सरकार था सीपीएम का, ऑपोजिशन में था कांग्रेस, कांग्रेस ने समर्थन बोला कि ये एयरपोर्ट का नाम महाराजा वीर विक्रम के नाम में नहीं होना चाहिए। सिर्फ बीके रामखोल ने उस समय अपोज किया, बोला कि महाराजा का नाम में होना चाहिए। आज ये सम्मान हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, और हम त्रिपुरा सा को एक बात बोलना चाहते हैं। मैंने अभी त्रिपुरा मोथा का प्रोग्राम से मैं आ रहा हूं, मैं उनको बोल रहा हूं कि हम त्रिपुरा सा को गलत लाइन में कहीं नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट था दिल्ली में कांग्रेस का, हम गए सीपीएम के साथ, क्या मिला? आज नरेंद्र मोदी जी है, आज अमित शाह जी है, आज यहां में मुख्यमंत्री जी है, हमारे एमपी हैं, आज मैं हूं। हम आपको बोल रहे कि हम आपका कुछ करना चाहते हैं। ये सीपीएम का बात सुनकर पूरा इंडिया में सीपीएम जीरो है, त्रिपुरा में जीरो है, कांग्रेस इंडिया में जीरो है, और ये लोग पावर में नहीं आने वाले हैं। और जो लोग आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, जो लोग कंफ्यूज करना चाहते हैं, उनका राजनीति ही है कंफ्यूज करना। आज अगर हमको जवाब देना है, आज अगर हमको सोचना है, यहां में हम लोगों का मां है, बुमा लोग है, बुरुई है, आपका नेक्स्ट जनरेशन के बारे हमको सोचना है। आर नेक्स्ट जनरेशन, अगर नेक्स्ट जनरेशन को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, अगर नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ना है, तो सिर्फ झंडा लेकर लाल सलाम बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। वो लोग अपना फाइट कहीं और करते हैं, हमको अपना फाइट, अपना प्रॉब्लम हमको यहां में बैठकर सॉल्व करना पड़ेगा।
और मैं जानता हूं कि दिल्ली में एक गवर्नमेंट है जो हमारे बारे चिंता कर रहा है। यहां मैं आया हूं और यहां में बहुत लीडर्स भी हैं, सामने है आईसीएससी अपना कैसा है हा? आपका बिरयानी अभी तक नहीं मिला बहुत दिन से। आप सबको मैं पहचानता हूं एंड आई विल ऑलवेज लव यू नॉट बिकॉज यू आर वेयरिंग अ मोथा फ्लैग और यू आर वेयरिंग अ बीजेपी फ्लैग। आई ऑल्सो लव पीपल हु आर इन सीपीएम, आई लव पीपल हु आर इन कांग्रेस आल्सो। आई लव यू बिकॉज यू आर माई पीपल फ्रॉम त्रिपुरा। आई डोंट वॉन्ट टू डू गंदा पॉलिटिक्स, आई लव ऑल ऑफ यू। एंड अगर आज वीर विक्रम का नाती होकर मैं आपको एक अच्छा भविष्य दे पाऊँ, हम लोग सब मिलकर आपको एक अच्छा भविष्य दे पाए, तो भगवान ने सब चीज़ दिया, राजबाड़ी दिया, महल दिया, अच्छा खानदान दिया, लेकिन जिंदगी में एक चीज़ आपको खुद कमाना पड़ता है, अपना नाम। और अगर मैं आपको कुछ दे पाऊंगा, एक दिन सबको जाना है ऊपर, लेकिन मरने से पहले अगर मैं आपको कुछ दे के जाऊंगा तो लोग ये भी बोलेंगे हाँ एक मुबागरा ने हमारे लिए सोचा और कुछ तो किया। दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। और इसके लिए नो ईगो नो अहंकार। ईगो हमको गिराएगा, अहंकार हमको कभी उठने नहीं देगा। हमको हंस के एक साथ होकर इस इलेक्शन में रिकॉर्ड मार्जिन से मैं अपना बहन को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन हमारा विप्लव देव जी को ये मेरा दायित्व है कि मैं रिकॉर्ड मार्जिन से जीतूं। आदमी को समझना चाहिए कौन हमको प्यार करता है और कौन कुछ और करता है। मैं आप एक बार देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा ही रियली लाइक्स आवर पीपल एंड आवर कम्युनिटी, सो नेवर फॉरगेट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर माने बाबू, आपने हमेशा हमको सम्मान दिया, आदर दिया। जब भी मैं आपसे मिला हूं, यू हैव स्पोकन टू मी विथ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। बहुत मेरे फादर के बारे आपने अच्छा अच्छा बात किया है एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वी विल कोऑपरेट विथ यू। एंड जो दूसरे गवर्नमेंट में प्रॉब्लम हुआ ग्राउंड लेवल में, मैं वो होने नहीं दूंगा, मैं इसको कम करके यहां में एक स्पेशल बात मैं रामपापा को बोलना चाहता हूं। आप मेरे खिलाफ कुछ भी बोले, आई ऑलवेज लव यू, जानता मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि राम पद हमारा है ना, जो भी है डायरेक्ट, जो डायरेक्ट है वो अच्छा है। हाँ एकदम जबरदस्त है डायरेक्ट। जो डायरेक्ट नहीं है उससे सबसे बढ़ के डर के रहना है, ठीक है। तो जो भी है रामपद जवतिया, आई एम ऑलवेज गोइंग टू हैव अ स्पेशल प्लेस फॉर यू इन माई हार्ट एंड महारानी लव्स यू, यू विल ऑलवेज वर्क विथ यू। बधाई बधाई महाराज। विकास संतना जी आपसे मिला हूँ, विद्युत मैं जानता हूँ, संतना यू नो हाउ मच आई हैव मेट यू इन द एयरपोर्ट ऑल्सो, आई ऑलवेज हैड पर्सनल, आपको माँ से मिला हैरान। एक विनती है कि इनको भी कैबिनेट में लाकर एडीसी में, जैसे हमारा दो मिनिस्टर आया है, अगर हम लोग दोनों एक हो जाए ना, ऑपोजिशन का पसीना छूट के वो त्रिपुरा छोड़ के भाग जाएगा। आई रिक्वेस्ट आफ्टर लोकसभा आप लोग कंसीडर कीजिए, आपने दिल बड़ा दिखाया, हमको भी दिल बड़ा दिखाकर एक संग होकर काम करना है, एक संग काम करना है, एक संग फाइट करने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। यही बोलकर आई वॉन्ट टू से तीपरा सा आई क्लॉक्थम, तीपरा सा दोफा आई क्लॉक्थम एंड आई लव यू वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस एवरीवन, गॉड ब्लेस आवर कैंडिडेट्स, गॉड ब्लेस अमित शाह जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। ऊपर में ईश्वर है, भगवान है, और भगवान ने कहा है कि एक संग काम करो आपको कुछ मिलेगा, तो हम कौन है रोकने वाले। बेलाई बेलाई नो हम भाई।